अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको CS602 कंप्यूटर ग्राफिक्स की असाइनमेंट नंबर 2 के सोल्यूशन के बारे में बताऊँगा। इस असाइनमेंट में हमने एक पूरे का पूरा प्रोजेक्ट बनाना है DevC++ में और एक जिप फाइल बना के उनको सबमिट करवानी है हमने। उस जिप फाइल में हमारे पास एक CPP फाइल और जो .exe फाइल हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। यानी प्रोजेक्ट को रन करके दिखाना चाहिए हमें। तो प्रोजेक्ट के क्वेश्चन की जानब चलते हैं। हमने एक C++ प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने OpenGL की लाइब्रेरीज़ को ऐड करना है और OpenGL की मदद से हमने एक मैकेनिकल आर्म, इस तरह से हमारे पास जो मैकेनिक्स में आर्म यूज़ होता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देख लें, जब भी हम रोबोट वगैरह बनाते हैं तो इसी तरह के आर्म्स वगैरह का सबसे पहले हम ग्राफिक्स करते हैं, तो इस तरह से हमने बनाना है। तो वो आर्म जो है हमारा फिर रोटेट इट टू राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन बाय यूजिंग एरो की रिस्पेक्टिवली। जब हम एरो की को दबाएँ तो राइट लेफ़्ट यानी ऊपर नीचे दाएँ बाएँ हमारे पास वो हरकत करना चाहिए, मूव करना चाहिए। इस प्रोग्राम को, C++ के प्रोग्राम को या इस प्रोजेक्ट को रन करवाने से या लिखने से पहले आपको एक बात जहन में रखनी चाहिए कि आपने सबसे पहले DevC++ में OpenGL की लाइब्रेरीज़ को ऐड करना है। और लाइब्रेरीज़ को कैसे ऐड करना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा यूट्यूब की, उसकी मदद से यानी उस वीडियो को देख के आप लाइब्रेरीज़ को ऐड कर सकते हैं। मैं आपको फिर पूरे का पूरा यहाँ पे प्रोजेक्ट समझाता हूँ कि कैसे हमने प्रोजेक्ट बनाना है, उसके बाद में फिर आपको आगे गाइड करता हूँ। यहाँ से आपने DevC++ को ओपन कर लेना है। DevC++ को ओपन करने के बाद आपने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। ये न्यू प्रोजेक्ट हमारा हो गया, फिर कंसोल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का कोई भी नेम दे दें आप, इसको ओके करते हैं और इसको किसी भी लोकेशन में आप इसको जाके सेव करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक, मेरे पास न्यू फोल्डर बना हुआ है, नहीं बनाऊँ तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बना के इसमें सेव करवा देता हूँ। फिर यहाँ से आपने कुछ चीज़ें ऐड करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे पैरामीटर पे आके लिंक करके कुछ आपने चीज़ें ऐड करनी है, इनको कॉपी करके आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है इसके अंदर और इसको फिर सेव करवा लेना है। याद रखें, ये जो चीज़ें हमने ऐड करवाई हैं ये सारी की सारी चीज़ें OpenGL की लाइब्रेरीज़ को ऐड करने के बाद ऐड करनी है आपने। मैं नीचे लिंक दे दूंगा कि किस तरह आपने OpenGL की लाइब्रेरीज़ को ऐड करना है। फिर ये हमारा कोड आ गया, अब इसको हम कंपाइल एंड रन करवाते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसको यहाँ पर सेव करते हैं, अब कंपाइल एंड रन करवाते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो असाइनमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट रन हो रही है। आपकी यहाँ पे OpenGL पे आप आईडी आ गई विंडो पे, और यहाँ से मैं ऊपर करता हूँ, दाएं करता हूँ, फिर बाएं करता हूँ या नीचे करता हूँ, ये देखें ये सारे की सारे रन हो रही है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट पेड में आप हमसे बनवा सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप पेड में अगर बनवाना चाहें तो व्हाट्सएप पर रब्ता करें, हम आपको पेड बना के देंगे। वीडियो इतनी ही थी, वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।